थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं इंशाल्लाह प्रिसाइज रहूंगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है। आज जो तरामीम होनी इस आईन में होने जा रही है, ये वो आईन है जिसके इब्तदाई अल्फाज यही है कि अदलिया आज़ाद होगा, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे जनाब स्पीकर, ये मलक कयूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, आज हकूमत बेंचेस पे बैठे वाले लोगों ने जिस अंदाज में पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है, इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। जनाब स्पीकर, मैं मियाँ साहब को एक चीज़ रिमाइंड कराऊंगा, मियाँ साहब हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है तीसरी मरतबा आप इस ईवान में आए, आज पहली मरतबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है, हम इसकी मुज़म्मत करते हैं। मियाँ साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियाँ साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियाँ साहब गए थे, वो मियाँ साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियाँ साहब ने केसर गु किया था और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायजी सा था। जनाब स्पीकर, बड़े सारे अच्छे जजेस गुजरे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह काजी फाइसा साहब जाएंगे तो लोग हिस्ट्री लिखेंगे और हिस्ट्री में जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये कहूं कि मियाँ साहब को भी रिमाइंड कराऊंगा, आज आपने जो अल्फाज अदा किए हैं, आजकल एक और शेर लिख दीजिएगा, आप अपने उन अल्फाज को भी याद रखो जो आज़ाद अदलिया तो क्या आपके अल्फाज बैन अलाक्वामी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए उसके हक में भी एक शेर लिख दीजिएगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये अल्फाज ये नहीं है, ये मैं आईन पे आता हूँ। सबसे पहले हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हकूमत के साथ किसी एक लफ्ज़ पे भी इतफाक नहीं किया। मैं अभी आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात ये आईनी तरीक़ेकार है, आईन में जब अमेंडमेंट हो रही है जनाब स्पीकर, अगर आप कानून साजी करें तो यह आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 70 कानून साजी के लिए, आर्टिकल 80 आपके मनी बिल के कानून साजी के लिए, और आईन के लिए आपका 239 आर्टिकल है, आपका रूल्स 156 है। जनाब स्पीकर, ये ईवान उस वक्त तक, ये ईवान इस आईन के उस आर्टिकल 239 के मुताबिक, ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हुई हो, जब तक केपीके के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हो, ये आईन की खिलाफ वर्जी है। जनाब स्पीकर, मैं ये आपके नोटिस गुजार करा दूं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ 16 सितंबर, ये डेटा मैंने सुप्रीम कोर्ट से लिया था, 16 सितंबर को लिया था, जब 15 सितंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, 65,200 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 65,200 केसेस में 148 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल है और 28 केसेस वो सो मोटो है, 176 केस की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे नहीं बना रहे, ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जजेस को महकूम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हर एक अदालत इनके माता तो इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे, वजीर आजम पहली मरतबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, जजेस की वो तैनाती करेगा और उसके साथ रखेगा। जनाब स्पीकर, एक चीज रिकॉर्ड पे लाऊं, आपने कमेटी बनाई
इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी उससे सबसे पहली ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर, 10 प्रोसीडिंग्स हुई है, आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मन थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्रॉप इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आया था, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आया था। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल जैद थे कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राप जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राप लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राप रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पर मुश्तमिल आखिरी ड्राप, ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जब ड्राप आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरफ बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं, मैं रिकॉर्ड पे दो चीज़ें आपको कहूँ, हम उस ईवान पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस कमेटी का हम हिस्सा इसलिए थे कि उसमें लफ्ज लिखा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनी है, हमने पार्लियामेंटेरियन का इशू उसके अंदर लाया था, हमने इस ईवान में बारहा उनको कहा था कि आपका कोई मैंडेट नहीं है कि आइन के आइनी तरमीम का मुसव्वदा आप तो ये कर ले, ये हम बारहा लेके आ चुके थे, हम मौलाना साहब के साथ भी थे। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, हमने किसी के साथ इस ड्राफ्ट के एक लफ्ज पर भी इतफाक नहीं किया था, बिकॉज हम समझते थे ये इललिजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ड्राफ्ट आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले, ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलेन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत, हुकूमत एक चॉकलेट की कोडिट करके अवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था, इस ड्राफ्ट में ये लिखा था पहला लफ्ज देखे, ये देखे सबसे पहला लफ्ज देखे जनाब स्पीकर, इसमें ये लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया, ये हकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, ये कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्यूर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, ये आपके सामने गोश गुजार कराता हूं, ये कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया? ये चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इतफाक नहीं किया था, कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था, कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाईकोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। जनाब स्पीकर, ये आपने की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये खुर्शीद शाह साहब ने नोट भेजा था, ये ईवान के साथ भी फ्रॉड हुआ है, जो ऐसा ड्राफ्ट आया है जो ईवान ने नहीं भेजा। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीजों का अर्ज करता हूँ जी, ये अदलिया पे अटैक है, बस काइंडली वाइंड अप कीजिए। जनाब स्पीकर, मैं कंप्लीट करता हूं जनाब स्पीकर, मैं आर्टिकल 175 का यो जनाब स्पीकर आपको एक अर्ज कर रहा हूं, एक चीज जनाब स्पीकर, लीडर को बुलाएं जी। जनाब स्पीकर, अभी चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा उसमें 8 महीने शामिल होंगे और इसमें 4 सेनेटर शामिल होंगे। जनाब स्पीकर,
जब बाकी तौर पे हम अपॉइंट करते हैं जजेस को तो उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के एक जैसे नुमाइंदे होते हैं। आपने इसमें प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड किया? इसका मतलब यह कि जो कमेटी होगी वो ज़्यादा तादाद हकूमत की होगी, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इनका मतलब ये कि ये खुद बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वज़ीर आज़म खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। इसी तरह आर्टिकल 199 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रोवाइड किया है, जनाब स्पीकर एक मिनट में कंक्लूड कर दूं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई और बना रहे हैं? हाई कोर्ट में ये बर्डन कैसे होगा अगर उसके लिए बेंचेस आप ही बना ले? और जजेस आज़ाद कैसे होंगे अगर उसमें से गैर जजेस की तादाद आप ज़्यादा करके कर ले? 18वीं तरमीम इसलिए नहीं ख़त्म हुई थी, इसलिए ख़त्म नहीं हुई थी कि अदलिया ने यह कहा था कि ईवान कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया ने इसलिए ख़त्म किया था कि जजेस की तादाद कम कर दी थी। वो तो 9 मेंबर बेंच पे मुश्तमिल था जिसमें 5 जजेस थे, अभी 4 जजेस थे और 3 नॉन जजेस थे। अभी तो आपने उसमें 5 जजेस और 8 नॉन जजेस कर लिया। जनाब स्पीकर, हम समझते हैं ये सब के सब आज़ाद अदलिया के खिलाफ इनका एक पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच।